हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। ओके, क्या आपको पता है कि भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट बॉर्डर्स में से एक है। इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, हजारों मीटर की हाइट्स और कुछ डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों से गुजरती है, जिसे भारत के लिए अपनी बॉर्डर्स को मेंटेन करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत की टोटल 15,200 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर दुनिया में थर्ड लॉन्गेस्ट है, रशिया और चाइना की बॉर्डर्स के बाद। तो आज हम बात करेंगे भारत की क्रेजी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के बारे में। माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिकर। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अच्छा, भारत थियोरेटिकली 7 देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, थियोरेटिकली, क्योंकि भारत की अफगानिस्तान के साथ करंटली प्रैक्टिकल रियल बॉर्डर नहीं है। बट जैसे कि भारत पीओके पर क्लेम करता है, इसीलिए ऑफिशियली अफगानिस्तान भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। भारत के पास अपने 15,200 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर के अलावा 1,515 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी है, जिससे भारत एडिशनल दूसरे 4 देश मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया से मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करता है। हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजन ने भारत की बॉर्डर्स को डिफाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिया की पाकिस्तान से लगने वाली बॉर्डर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव और डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है। लाइक वी लिटरली सी इट फ्रॉम स्पेस। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बॉर्डर पर 15,000 पोल्स पर 1,50,000 ऑरेंज लाइट्स लगाए गए हैं, जिसके कारण भारत पाकिस्तान की बॉर्डर स्पेस से भी क्लियरली विजिबल है। ये लाइट्स इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज जैसे कि आर्म ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को रोकने के लिए लगाए गए हैं। 3,323 किलोमीटर लंबी ये इंडो पाक बॉर्डर दुनिया की 9th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। बॉर्डर का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अरेबियन सी में सर क्रिक से शुरू होता है। गुजरात के कच्छ और सिंध के सुजावल डिस्ट्रिक्ट के बीच बसे इंडस रिवर डेल्टा में ये इंडो पाक बॉर्डर भारत के दूसरे रीजन के बॉर्डर से थोड़ी अलग है। यहाँ एक्चुअली बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, जो कि यहाँ की फिजिकल कंडीशन के कारण लगा भी नहीं सकते। यहाँ की कैनाल्स और खाड़ियाँ कई बार बॉर्डर क्रॉस करती है। ऊपर से हाई टाइड के दौरान ये पूरा इलाका ही पानी में डूब जाता है, जिससे फेंसिंग तो नहीं लग सकती और ऊपर से बीएसएफ के जवानों के लिए यहाँ पेट्रोलिंग करना भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और यही है इंडिया पाकिस्तान का सेकंड मेजर डिस्प्यूट, सर क्रिक डिस्प्यूट। 96 किलोमीटर लंबी इस सर क्रिक खाड़ी पर पाकिस्तान पूरी तरह क्लेम करता है, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग बॉर्डर खाड़ी के बीचों बीच है। सर क्रिक से आगे ये बॉर्डर ईस्ट की ओर शक्कूर लेक के बीचों बीच से जाती है। इस बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडो पाक बॉर्डर रोड बनाई गई है, जो आगे गुजरात स्टेट हाईवे 45 से जुड़ती है। शक्कूर लेक से आगे इंडो पाक बॉर्डर रन ऑफ कच्छ से गुजरती है। कच्छ डेजर्ट 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। गुजरात से पाकिस्तान की टोटल 553 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिसमें से सिर्फ आधी बॉर्डर पर ही फेंसिंग की जा सकी है, क्योंकि यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जियोग्राफिकल इलाके और हार्श वेदर फेंस बॉर्डर बनाने और मेंटेन करने में अड़चन पैदा करते हैं। रन ऑफ कच्छ का ये बॉर्डर इलाका खारे पानी, कीचड़ और ऑब्वियसली एक्सट्रीम डेजर्ट टेम्परेचर से भरा पड़ा है। इसी डिफिकल्ट कंडीशन के कारण यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है और दूर दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आता, जिसका रिजल्ट ये है कि ये बॉर्डर काफी पीसफुल रही है। गुजरात से आगे बॉर्डर राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान की पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस के साथ करीबन 1,048 किलोमीटर की बॉर्डर है। यह बॉर्डर राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट्स बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर से गुजरती है। एंड हियर वी हैव द ग्रेट थार डेजर्ट, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। थार डेजर्ट करीबन 2,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। राजस्थान में पूरी बॉर्डर पर फेंसिंग हो चुकी है। हालांकि यहाँ के 50 डिग्री से ज्यादा एवरेज डे टाइम टेम्परेचर के कारण वी डोंट नो कि मेटालिक फेंसिंग कब तक चल पाएगी। ऊपर से 32 किलोमीटर के जैसलमेर बाड़मेर सेक्टर में रेत की आंधी आती रहती है, जिसके कारण फेंस बॉर्डर रेत में दब जाती है। लेकिन बीएसएफ के जवानों की कंटिन्यूस पेट्रोलिंग से इसका पता चल जाता है और तब बॉर्डर को रीअलाइन कर दिया जाता है। राजस्थान से ही थार एक्सप्रेस चलती है, जिसकी सर्विस 2006 में शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पर शुरू हुई थी। थार एक्सप्रेस कुछ इकलौते रेल कनेक्शंस में से एक है जो इंडिया एंड पाकिस्तान को जोड़ते हैं। थार एक्सप्रेस के अलावा सिर्फ समझौता एक्सप्रेस है जो दिल्ली टू लाहौर जाती है। थार एक्सप्रेस भगत की कोठी जोधपुर से शुरू होकर मुनाबाव, जीरो पॉइंट, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची
रांची तक 709 किलोमीटर का अंतर काटती है। राजस्थान के श्री गंगानगर से आगे बॉर्डर पंजाब के ग्रासलैंड में प्रवेश करती है। पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स फजिलका, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट से पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस की बॉर्डर लगती है। करीबन 553 किलोमीटर की ये बॉर्डर ज्यादातर फार्म लैंड से गुजरती है और पूरी तरह फेंस्ड है, लेकिन रावी और सतलुज नदी का कुछ हिस्सा इंडिया पाकिस्तान की नेचुरल बॉर्डर बनाता है और यहाँ BSF द्वारा गार्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह बॉर्डर काफी सेंसिटिव साबित हुई है। 2021 में सबसे ज्यादा ड्रोन साइट्स, घुसपैठ की आशंका और हथियारों के साथ नारकोटिक्स के पकड़े जाने की सबसे ज्यादा सूचना यहीं से मिली थी। इसके अलावा यहीं पर अमृतसर के अटारी विलेज में है भारत की मोस्ट फेमस अटारी वाघा बॉर्डर, जहाँ हर रोज वर्ल्ड फेमस बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है। ओके, यहाँ तक की बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। इससे आगे जम्मू कश्मीर शुरू होता है और फिर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पंजाब से कटना, सांबा और जम्मू तक की करीबन 200 किलोमीटर की बॉर्डर को इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, बट पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ क्लेम ओवर फुल जम्मू कश्मीर। जम्मू से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC स्टार्ट होती है, जो कि डी फैक्टो सीज फायर लाइन है, जो 1947 में इंडो पाक वॉर के बाद बनी थी। करीबन 700 किलोमीटर लंबी LOC कश्मीर वैली में राजौरी, पूंछ, बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुर के फॉरेस्टेड माउंटेन्स और रिवर्स से गुजरती है। आगे बॉर्डर कारगिल से होते हुए लेह में NJ9842 में एंड होती है। ये पूरा इलाका 4000 प्लस मीटर ऊंचा है। इससे आगे काराकोरम रेंज स्टार्ट होती है और यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर्स। 1984 से ये पूरा इलाका भारत के कंट्रोल में है। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दिस पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम बॉर्डर पॉइंट इन द वर्ल्ड। इंडो पाक बॉर्डर इज लिटरली क्रेजीएस्ट। सियाचिन से आगे ये बॉर्डर चाइनीज बॉर्डर को टच करती है और यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC स्टार्ट होती है, अनदर डी फैक्टो बॉर्डर, जो कि 1962 के सीनो इंडियन वॉर के बाद बनी थी। करंटली चाइना और इंडिया के बीच करीबन 3488 किलोमीटर की बॉर्डर है, जो कि अनमार्क्ड है, यानी कोई फिजिकल फेंसिंग नहीं है। बॉर्डर के आसपास लो पॉपुलेशन डेंसिटी और नेग्लिजिबल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की वजह से दोनों ही देशों के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट कोई सीरियस चैलेंज नहीं खड़ा करता, और ऊपर से 6000 प्लस मीटर ऊंचे हिमालयन माउंटेन दोनों देशों के बीच नेचुरल बैरियर बनते हैं। बट स्टिल इंडिया चाइना बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। इंडिया अक्साई चीन पर क्लेम करता है, जबकि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर। सीनो इंडियन बॉर्डर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। LAC काराकोरम रेंज के ईस्ट में दौलत बेग ओल्डी से शुरू होती है और साउथ की ओर गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स से होते हुए पेंगोंग लेक तक जाती है। यही गलवान वैली में 2020 में चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच मेजर क्लैशेज हुए थे। आगे वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से लगती है। यहाँ करीबन 200 किलोमीटर की चाइनीज बॉर्डर है। अनलाइक लद्दाख, हिमाचल की तिब्बत के साथ बॉर्डर काफी एक्सट्रीम इलाकों में है। यही हिमाचल के कुछ सबसे ऊंचे माउंटेन्स योपुरगिल और गिया आते हैं, और सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स है जैसे कि शिपकिला और कौरिक पास, जो इन माउंटेन्स के दूसरे साइड बॉर्डर पार पहुंचा सकते हैं। वैसे कई सेंचुरी से तिब्बत और हिमाचल के ट्रेडर्स के बीच एंशियंट सिल्क रूट, जो शिपकिला से गुजरता है, वहां से ट्रेड होती आ रही है। कोविड से पहले तक भी इस पास से ज्यादातर वुलन हैंडलूम आइटम्स जैसे कि ब्लैंकेट्स और कारपेट्स की 8 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ट्रेड होती थी। हिमाचल से आगे बॉर्डर उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से गुजरती है। यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर 345 किलोमीटर लंबी है। यहीं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लिपुलेख पास है, जो उत्तराखंड की ब्यान वैली को तिब्बत से जोड़ता है। इसी पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट भी पास होता है, और इसी के साथ यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर का वेस्टर्न और मिडल सेक्शन खत्म होता है और नेपाल बॉर्डर स्टार्ट होती है। लेकिन भारत की चाइना से बॉर्डर ईस्टर्न सेक्टर में भी है। सिक्किम के साथ चाइना की 220 किलोमीटर की बॉर्डर काफी सेंसिटिव है। यहाँ कई बार क्लैशेज हो चुके हैं। एक्चुअली यहाँ मौजूद डोकलाम प्लेटो डिस्प्यूट का मेन रीजन है। डोकलाम में मौजूद चुंबी वैली पूरे हिमालय में स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ से इंडिया का इम्पोर्टेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी नजदीक है, जहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड है। सिक्किम के ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में नाथुला पास है, जो कि उन ओनली 3 पासिस में से एक है जहाँ से इंडिया चाइना के बीच ट्रेड होती है। एंड लास्ट में अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, जो कि 1126 किलोमीटर लंबी है, और वो अरुणाचल प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। यहाँ भी फिजिकल और जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से फिक्स बाउंड्री नहीं है। एंड अगर इंडिया और चाइना अनइनहेबिटेबल डेजर्ट लद्दाख के लिए लड़ सकते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में तो ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी और पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। ये रीजन सेंचुरीज से एनिमिस्ट क्रिश्चियंस, हिंदू और तिब्बतन बुद्धिस्ट का घर रहा है, और ऊपर से यहाँ ग्रेट वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज भी
ही है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेपाल, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल बॉर्डर ऑफ इंडिया। 1770 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल बॉर्डर 1860 में नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच हुई सुगौली ट्रीटी के मुताबिक है। इंडो नेपाल बॉर्डर लिपू लेक के पास इंडिया नेपाल चाइना के ट्राई जंक्शन पॉइंट से शुरू होती है। आगे बॉर्डर शारदा रिवर के साथ साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़कर हिमालयस, शिवालिका हिल्स और गंगा के मैदानी इलाकों तक जाती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत एंड उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस के बीच करीबन 275 किलोमीटर लंबी रिवर बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर शारदा रिवर के साथ ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न होकर आगे बढ़ती है। यहाँ यूपी के मैदानी इलाकों में लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट और नेपाल के सुदूर पश्चिम एंड लुम्बिनी प्रोविंस के बीच 551 किलोमीटर की बॉर्डर है। आगे बॉर्डर बिहार की ओर जाती है। बिहार के वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज और नेपाली प्रोविंसेस लुम्बिनी, गंडकी, बागमती, मध्य प्रदेश और प्रोविंस नंबर 1 के बीच करीबन 726 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। यहाँ तक कई हिमालयन नदियाँ नेपाल इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करती है, लाइक घाघरा, राप्ती, गंडक, बागमती एंड कोसी। वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की 100 किलोमीटर की बॉर्डर नेपाल के प्रोविंस नंबर 1 से लगती है। इंडो नेपाल बॉर्डर सिक्किम से 99 किलोमीटर लगकर ईस्टर्न चाइना नेपाल इंडिया ट्राई जंक्शन पर खत्म होती है। सिक्किम नेपाल की बॉर्डर पर भारत का हाईएस्ट माउंटेन कांचनजंगा भी मौजूद है। भारत की नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है, यानी दोनों ही देशों के नागरिकों को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। हर रोज हजारों लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं कमर्शियल और टूरिज्म के काम से। एंड फाइनली वी हैव टू ऑनगोइंग डिस्प्यूट विद नेपाल। एक है कालापानी रीजन, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कैलाश मानसरोवर रूट पर है। ये इलाका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। सुगौली ट्रीटी के मुताबिक यहाँ मौजूद काली रिवर नेपाल और इंडिया की बाउंड्री बनाती है, लेकिन काली रिवर के सोर्स को डिफाइन करने में हो रही डिफिकल्टीज ने दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट क्रिएट किया है। एंड दूसरा मेजर डिस्प्यूट है सुस्ता रीजन में, जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गंडक रिवर के मार्ग में बदलाव के कारण क्रिएट हुआ है। हालांकि इन डिस्प्यूट से कोई मेजर क्लैश नहीं हुआ है और दोनों देशों के बॉर्डर काफी शांत रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर करीबन 20 क्रॉस पॉइंट्स है जहां से ट्रेड की जाती है। नेपाल का 60% इंपोर्ट एक्सपोर्ट हल्दिया एंड विशाखापट्टनम पोर्ट ही हैंडल करते हैं। नेपाल कोसी और गंडक रिवर के इनलैंड वाटरवेज का यूज करना चाहता है, ताकि वो अपने गुड्स हल्दिया पोर्ट तक आसानी से पहुंचा सके। दोनों देशों के बीच इसके लिए नेगोशिएशन जारी है। नेपाल के बाद एक और बॉर्डर है जो काफी पीसफुल रही है, इंडिया भूटान बॉर्डर। भूटान की सिर्फ भारत और चाइना से ही बॉर्डर लगती है, और भूटान का चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट और कम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कारण सिर्फ भारत ही ऐसा रूट है जिससे भूटान दुनिया से कनेक्ट हो सकता है। 699 किलोमीटर लंबी इंडो भूटान बॉर्डर काफी स्टेबल है, जो कि सिक्किम में वेस्टर्न चाइना इंडिया भूटान ट्राइपॉइंट से शुरू होती है। सिक्किम की भूटान से 32 किलोमीटर की बॉर्डर है, और आगे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में भूटान की वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट से करीबन 183 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। यहाँ अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट के जैनगांव टाउन से साउथ वेस्ट भूटान के फुनशोलिंग को जोड़ने वाला रूट है, और इसी रूट से इंडिया भूटान का ज्यादातर ट्रेड होता है। आगे बॉर्डर आसाम के कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट से 267 किलोमीटर तक लगती है। आसाम के डिस्ट्रिक्ट बोडोलैंड टेरिटरी में आते हैं, जिनका भूटान से क्लोज हिस्टोरिकल कनेक्शन है, और फिलहाल भी ओपन बॉर्डर होने के कारण हर रोज कई लोग बॉर्डर क्रॉस कर काम करने के लिए भूटान में जाते हैं, और भूटान का भी ज्यादातर एक्सपोर्ट इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। आगे बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट से लगती है। यहाँ वो तवांगचू और न्यामजंगचू नदियों के संगम से गुजरती हुई नॉर्थ में चाइना भूटान इंडिया ट्राइपॉइंट पर खत्म होती है। अरुणाचल से भूटान की 217 किलोमीटर की बॉर्डर ज्यादातर फॉरेस्ट हिमालयन माउंटेन्स रीजन में आती है, जहाँ काफी लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत की लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है, करीबन 4096 किलोमीटर, जो कि दुनिया की 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। आईबी बॉर्डर बांग्लादेश के कुलना, राजशाही, रंगपुर, मेमनसी, सेलेट और चित्तागोंग डिवीजन एंड इंडिया के वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट से लगती है। 2015 से पहले तक आईबी बॉर्डर दुनिया की मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉर्डर थी। बिकॉज ऑफ दिस, तब मेनलैंड बांग्लादेश में 111 इंडियन एनक्लेव्स थे, जबकि मेनलैंड इंडिया में 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स थे, और यहीं पर था दुनिया का इकलौता थर्ड ऑर्डर एनक्लेव दहला खगराबरी एरिया, जो कि बांग्लादेशी गांव उपनचोकी भजनी से घिरा था, और ये गांव अगेन इंडियन विलेज बाला
कालापारा खागराबरी से घिरा था, जो खुद अगेन बांग्लादेशी देवीगंज उपजिला रंगपुर डिवीजन से घिरा था। दैट्स रियली क्रेजी। ये खिचड़ी सेंचुरीज पहले कुछ बिहार के राजा और रंगपुर के महाराजा ने बनाई थी चेस गेम में जमीन दाव पर लगाकर। लेकिन मई 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने फाइनली ये सॉल्व किया, जिसमें इंडिया को करीबन 4000 हेक्टेयर की जमीन गंवानी पड़ी। बट एटलीस्ट ये बॉर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हुई। बॉर्डर का साउथ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बे ऑफ बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट से शुरू होता है। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना और बांग्लादेश के कुलना डिवीजन में हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर डेल्टा में करीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में सुंदरबन फैला हुआ है। सुंदरबन में बॉर्डर कई वाटरवेज के बीच है, जहां सिर्फ बोट द्वारा ही पेट्रोलिंग की जा सकती है। आगे नॉर्थ की ओर बॉर्डर प्लेन लैंड में एंटर करती है और यहां घनी आबादी शुरू होती है। आईबी बॉर्डर के आसपास भारत की किसी भी बॉर्डर के मुकाबले काफी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना में पेत्रापोल बॉर्डर क्रॉसिंग एशिया के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग में से एक है, जहां से मोस्ट ऑफ इंडो बांग्लादेश ट्रेड होती है। वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के करीबन 2216 किलोमीटर की बॉर्डर है, जो कि नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट से लगती है। यहां ज्यादातर इलाका मैदानी फार्म लैंड है और करीबन 600 किलोमीटर की बॉर्डर रिवर इन रीजन में आती है। ओके, अब आसाम से बांग्लादेश की बॉर्डर दो सेक्शंस में लगती है, धुबरी और साउथ सालमारा मनकाचर डिस्ट्रिक्ट में 134 किलोमीटर, जिसमें से 20 किलोमीटर की बॉर्डर तो ब्रह्मपुत्र रिवर से ही गुजरती है बिकॉज ऑफ मैसिव कर्व ऑफ ब्रह्मपुत्र नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। दूसरा सेक्शन काचर एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट्स में है, जहां 147 किलोमीटर लंबी आईबी बॉर्डर लश ग्रीन रीजन से गुजरती है। यहां कुशियारा रिवर नॉर्थ करीमगंज में नेचुरल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बनाती है। बांग्लादेश के मेमनसिंह और सेलेट डिवीजन की मेघालय से 443 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। यहां का बॉर्डर नेचर काफी अलग है, घने जंगलों वाली पहाड़ियां है, जहां से कई छोटी बड़ी नदियां मेघालय से बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश की 856 किलोमीटर की बॉर्डर त्रिपुरा से लगती है, जहां हिली एरिया के साथ साथ प्लेन एरिया भी है। त्रिपुरा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री बांग्लादेश से टच होती है। एंड लास्टली मिजोरम है, जो बांग्लादेश से करीबन 318 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। यहां का ऑलमोस्ट पूरा इलाका हाईली फॉरेस्टेड है और यहां की पॉपुलेशन भी काफी कम है। भारतीय स्टेट्स के लिए बांग्लादेशी बॉर्डर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। हालांकि ऑलमोस्ट पूरी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हाईली फेंस्ड है, लेकिन बॉर्डर के दोनों ही तरफ घनी आबादी है, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में, जिसे बीएसएफ के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमारे वेस्टर्न इंडो पाक बॉर्डर में बॉर्डर से 100 मीटर दूर फेंसिंग है, जिसके बाद ही हैबिटेबल एरिया शुरू होता है। यानी बीएसएफ के लिए 100 मीटर का क्लियर पाथ है पेट्रोलिंग के लिए, जबकि यहाँ तो कई गांव ही बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। ऊपर से बॉर्डर के नजदीक रहने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, जिनमें से कई इलीगल स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए इंडियन बॉर्डर पेट्रोल्स द्वारा कंट्रोवर्शियल शूट ऑन साइट पॉलिसी अपनाई गई है, जिसके कारण बॉर्डर पर बॉर्डर गार्ड्स और इलीगल माइग्रेंट्स के बीच वायलेंस होता रहता है। कई बार बीएसएफ और बीजीबी के जवानों के बीच भी टकराव हुआ है। एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 1999 में कोलकाता ढाका बस सर्विस स्टार्ट हुई। एंड 2001 में एक और बस सर्विस स्टार्ट हुई, ढाका टू अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल एंड नॉर्थ ईस्ट की सेकंड बिगेस्ट सिटी। एंड फिर 2015 में डायरेक्ट सर्विस कोलकाता टू अगरतला वाया पेट्रापोल, ढाका, अखोरा शुरू हुई। पार्टीशन के पहले तक भारत और बांग्लादेश के बीच मल्टीपल रेलवे लाइन कनेक्शन था, लेकिन फिलहाल सिर्फ 3 कनेक्शन है। मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता से ढाका जाती है, बंधन एक्सप्रेस बिटवीन कोलकाता एंड कुलना, एंड मिताली एक्सप्रेस बिटवीन जलपाईगुड़ी एंड ढाका। एंड लास्ट ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर है म्यांमार के साथ। इंडो म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबी है, जो म्यांमार के काचिन, सगेन एंड चीन स्टेट्स, जबकि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। बॉर्डर का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट चाइना म्यांमार इंडिया ट्राई पॉइंट पर है, जस्ट नॉर्थ ऑफ डिफू पास। आगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बॉर्डर मिश्मी हिल्स को पार करती है। एंड यहाँ है भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट चौकाना पास, जो अरुणाचल के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को म्यांमार से जोड़ता है। आगे बॉर्डर नागालैंड और मणिपुर के पटकाई और कासोम रेंज को पार करती है। मणिपुर के साउथ ईस्ट पॉइंट से बॉर्डर शार्पली वेस्ट में टर्न हो जाती है एंड वेरियस रिवर्स को पार करती हुई टियाऊ रिवर तक पहुंचती है। मिजोरम के चम्फाई डिस्ट्रिक्ट से 159 किलोमीटर लंबी टियाऊ रिवर ही म्यांमार मिजोरम की नेचुरल बाउंड्री बनाती है। चीन हिल्स के आगे बॉर्डर मिजोरम के सैया डिस्ट्रिक्ट से वेस्टवर्ड टर्न होकर इंडिया बांग्लादेश म्यांमार ट्राई पॉइंट पर खत्म होती है। हालांकि इस बॉर्डर के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी काफी लो है, लेकिन इंडिया म्यांमार बॉर्डर काफी कॉम्प्लेक्स है। ज्यादातर
ज्यादातर बॉर्डर फॉरेस्टेड माउंटेन से गुजरती है, जो कि काफी पोरस, पुअरली गार्डेड, अंडर डेवलप और इंसर्जेंसी प्रोन रीजन में आता है। और नजदीक ही ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया भी है, जिससे बॉर्डर इंसर्जेंट्स, ड्रग्स एंड आर्म ट्रैफिकिंग के लिए काफी सेंसिटिव है। ऊपर से म्यांमार के रखीने स्टेट से रोहिंग्या मुस्लिम्स के इलीगल इमिग्रेशन का भी हाई रिस्क है। इंडो म्यांमार बॉर्डर कई इथनिक ग्रुप्स, कुकी, चीन, नागा और मिजोस को डिवाइड करती है। इसीलिए यहाँ एक यूनिक अरेंजमेंट है, जिसे फ्री मूवमेंट रेजिमे कहा जाता है। इसमें दोनों तरफ से बॉर्डर के नजदीकी ट्राइबल लोग बॉर्डर के 16 किलोमीटर पार जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा रेस्ट्रिक्शन, जिससे यहाँ सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है। वैसे आप कमेंट में बताइए कि आपने कभी भारत के किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर की विजिट की है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई हो। इफ यस, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इंडिया तो अपने अंदर की तरह अपनी सीमा लाइन को लेकर भी बहुत क्रेजी है। राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर वेस्टर्न वाली साइड में चाइना के बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसके साथ साथ वीडियो में बता रहे थे कि इंडिया 7 ममालक के साथ अपना 15,200 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और ये आलमी रैंक में तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि एरिया को लेकर इंडिया दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। इसके साथ साथ इंडिया 7500 किलोमीटर की बड़ी कोस्टल लाइन भी रखता है, और अगर ये कोस्टल लाइन भी ना होती तो सच में इंडिया का बॉर्डर और भी कई मुल्कों को लगता। वैसे अपनी कोस्टल लाइन के जरिए भी इंडिया 4 ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर वन बाई वन इस पर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर इन सारे बॉर्डर में से बहुत ज़्यादा कशीदा है, और ये एक ऐसी चंगारी है जो हर वक्त सुलगती रहती है और अचानक भड़क उठती है। और ये ऐसा दो एटमी ताकतें भी हैं और एटमी रियासतें भी हैं, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान बॉर्डर को लेके मामलात हमेशा उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों की तारीख जंगों से भरी पड़ी है। इंडिया पाकिस्तान के साथ 3329 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है और इसके ऊपर 50,000 पोल लगाए गए हैं, जबकि 1.5 लाख लाइटें लगाई गई हैं और ये स्पेस से भी नज़र आता है। तो सच में बहुत एक अमेजिंग नज़ारा देखने को मिल रहा था। कच्छ में दलदले समुद्री इलाके से लेकर ये बॉर्डर राजस्थान की गर्म फिजाओं में से गुजरता है, और राजस्थान में कुछ एक जगह पर तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि बॉर्डर बिल्कुल रेत के तूफानों में छुप जाता है। इसके बाद ये बॉर्डर दाखिल होता है पंजाब की जरखेज ज़मीन में, और दोनों तरफ पंजाब की मिट्टी सोना उगलती है, और ऊपर की तरफ जाते जाते ये बॉर्डर भी कश्मीर से होता हुआ बिल्कुल लद्दाख और कारगिल तक पहुंच जाता है। तो सच में ये पाकिस्तान इंडिया के साथ बड़ा अमेजिंग किस्म का बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया की रियासतों में कश्मीर आता है, यूनियन टेरिटरी में कश्मीर आता है, रियासतों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाके आते हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऑक्यूपाइज कश्मीर, पंजाब और सिंध के इलाके आते हैं। इसके साथ साथ अगर नेपाल और भूटान की बात की जाए तो नेपाल और भूटान दो ऐसे मुल्क हैं जो अपनी ज़िंदगी की बका के लिए इंडिया पर निर्भर हैं, और लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से इंडिया के बगैर इनकी ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4100 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है, और भारत ने बांग्लादेश को तीन तरफ से घेर रखा है। और इसके बाद अगर सबसे छोटे बॉर्डर की बात की जाए तो भूटान सिर्फ 700 किलोमीटर की बॉर्डर के लेंथ के साथ एक छोटा बॉर्डर रखता है इंडिया के साथ, लेकिन भूटान की बका इंडिया के बगैर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि भूटान इंडिया को समुद्री रास्ते के ज़रिए दुनिया के साथ जोड़ के रख देता है। लेकिन इंडिया का पाकिस्तान की तरह चाइना के साथ बॉर्डर भी अच्छा खासा मुतनाज़े है, और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा शदीद होता है, और चाइना के साथ अच्छे खासे सरहदी तनाज़ात की वजह से इंडिया और चाइना की अफवाज अक्सर आमने सामने आ जाती हैं। अभी तो बीच में नेपाल और भूटान की वजह से चाइना के बॉर्डर को कट लग गया, नहीं तो चाइना और इंडिया का बॉर्डर 5,500 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होना था। चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, और ये वाकई एक ये भी पाकिस्तान की तरह एक चंगारी है जो कभी कभी भड़कती रहती है, और इंडिया और चाइना की फौज एक दूसरे के आमने सामने आती रहती है। 2020 में गलवान वैली में अच्छा खासा क्लैश पैदा हो गया था। अगर म्यांमार के साथ इंडिया के बॉर्डर की बात की जाए तो वो उसके किनारे पर कबायल आबाद है, इसलिए उन्हें रिलीफ दिया गया, और 16 किलोमीटर का इलाका दोनों तरफ से कबायलियों के लिए वक्फ कर दिया गया है। और नेपाल के साथ अगर इंडिया के बॉर्डर की बात की जाए तो एक प्लस पॉइंट ये है नेपाल के रहने वालों को भी और इंडिया के रहने वालों को भी, कि वो बग़ैर वीज़े के
इंडिया में आ जा सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ अगर ख़रीदनी हो तो वो इंडिया से ख़रीद के नेपाल में जाके फरोख्त कर सकते हैं। ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि नेपाल जैसे छोटे मुल्क को भारत जैसी बड़ी मंडी आसानी से दस्तयाब है। और पुरमन बॉर्डर की बात की जाए तो नेपाल ही इंडिया के 6 या 7 हमसायों में सबसे ज़्यादा पुरमन है। अगर पाकिस्तान इंडिया के कनेक्शन की बात की जाए तो थार एक्सप्रेस जो जोधपुर से कराची तक चला करती थी या शायद चलती भी हो, और समझौता एक्सप्रेस जो लाहौर से दिल्ली तक आती जाती थी या शायद अभी वो भी आती जाती है, इतना मुझे मालूमात कंफर्म नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं बता रहा। तो इन दो एक्सप्रेस के ज़रिए इंडिया में पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान में इंडिया वालों का आना जाना था। इसके साथ साथ जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा और मरकज़ी रास्ता है वो वाघा बॉर्डर है, जहाँ पर हर शाम एक खूबसूरत परेड देखने को मिलती है और दोनों मुल्क के शहरी अपनी अपनी अफवाज को अपनी अपनी बॉर्डर फोर्स को सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं। और सच में एक अमेजिंग नज़ारा हर शाम ये फलक देखता है और बहुत एक समा बन जाता है। जो बांग्लादेश के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है वो अपनी आबादी को लेके, गुंजान आबादी को लेके सबसे ज़्यादा है, और इंडिया की सारे बॉर्डर्स के गिर्द जो आबादी रहती है उनमें सबसे बड़ा हिस्सा यहीं पे रहता है, क्योंकि एक ईस्ट बंगाल था और एक वेस्ट बंगाल था जो आगे चल के ईस्ट पाकिस्तान बना और फिर मज़ीद आगे चल के बांग्लादेश बना। तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द आबादी बहुत ज़्यादा और यहाँ पर तनाज़ात भी बहुत ज़्यादा थे। कहा जाता था कि कुछ गांव ऐसे थे कि गांव के रहायशी बांग्लादेश के थे जबकि उनकी ज़मीनें इंडिया में थी। इसी तरह इस मसले को अच्छी खासी तवालत मिलती रही और लोग गैर कानूनी तौर पर भी एक से दूसरे मुल्क में आते जाते रहे, लेकिन फिर 2015 में इस मसले को हल कर दिया गया और आज एक बॉर्डर की अच्छी खासी निशानदेही हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद वीडियो ऑनर बता रहे थे कि ये बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हमल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो सच में इंडिया के 7 मुल्कों के साथ जो बॉर्डर देखा, देख के बहुत अच्छा लगा और वाकई ये बहुत क्रेज़ी बॉर्डर है। चाइना और इंडिया का बॉर्डर जो इन सारे बॉर्डर्स में सबसे ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर तकरीबन चाइना के साथ और तकरीबन 3400 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, तो 15200 किलोमीटर में 7500 के करीब तो यही बन गया। तो इसलिए इंडिया का आधे से ज़्यादा बॉर्डर ऐसा है जो बिल्कुल हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, भारत के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, पाकिस्तान के भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नेपाल और भूटान के साथ हैं या जिस तरह बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ हैं। आपके कीमती वक्त शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।